मंच सजा है, दुल्हा दुल्हन तैयार हैं, 7 जन्मों का सफर शुरू करना है, तो जयमाला पहनाकर शुभ काम का श्री गणेश करें। लीजिए, जयमाला भी आ गई, लेकिन ये क्या, मालों में फूल की जगह प्याज? जी जनाब, ये है प्याज की ताजा तरीन छलांग। किचन छोड़ शादी के जयमाला में जगह मिल गई, साथ में लहसुन भी है। अब और कितने अच्छे दिन चाहिए। दूल्हा दुल्हन ने शान से एक दूसरे को प्याज माला पहना दी। अब बारी मेहमानों की है, ये लीजिए प्याज का टोकरा, प्याज का गुलदस्ता, प्याज का गिफ्ट पैक। अब इससे बढ़कर कौन सा उपहार मिलेगा, दूल्हे राजा बाग बाग हैं। सर प्याज इतना महंगा हो गया है कि हम लोग को ये अथवा आजमाना पड़ा, और प्याज के लिए हम लोग इसलिए किए हैं कि बाद में आपस में प्याज के लिए कभी विवाद ना हो। गरीबों को देखते हुए खास हो गया है क्या आप लोग? सर प्याज तो हम लोग के लिए खास हो गया है, हम लोग तो गरीब आदमी है तो इसलिए प्याज तो खास ही हो गया हम लोग के लिए। अब चलिए एक और शादी में। यहाँ भी दुल्हा दुल्हन को वैसे तो सैकड़ों गिफ्ट मिले, लेकिन जो तोहफा दुल्हे के दिल को छू गया वो ये वाला है, प्याज का गिफ्ट हैम्पर। देने वाले भी इतरा रहे हैं कि शादी में सबसे महंगा गिफ्ट हमने दिया है जी, लो फोटो तो खिंचवा लो। अभी आप लोगों ने क्या दिया है इस शादी के जोड़े? हम लोग ने प्याज दिए, जो आज का सबसे प्रीशियस गिफ्ट होता है। क्या लगता है उन्होंने कबूल किया है? हाँ बिल्कुल कबूल किया है। क्या कह रहे हैं? बहुत खुश है प्याज पाके, वो कम से कम 1 महीने तो चल जाएगी। देखिए गृहस्थ जीवन में महिलाओं को सबसे ज्यादा कचकच होती है कब, जबकि महंगाई बढ़ जाती है, किचन संभालना उनको महंगा हो, जब दिक्कत होती है तो परिवार में विद्रोह की स्थिति आती है। हम लोगों ने इस नवविवाहित जोड़े को प्याज और लहसुन गिफ्ट करके ये बताने काम किया कि अभी आपका नई शादी है, इसलिए प्याज को लेकर के आपके जीवन में कोई कांदे को लेकर कोई वांदा ना हो आपको, इसलिए हम लोगों ने इनको ये गिफ्ट दिया। और सरकारों को आईना दिखाने का काम किया है कि जो लोग कहा करते थे गरीब आदमी नून रोटी प्याज खा के भी अपना जीवन जी लेगा, आज प्याज खाने वाले को आज लोग शायद गरीब अब नहीं समझ रहे हैं। आज महिलाएं अगर 1 किलो प्याज हाथ में लेके जा रही हैं तो अगर सुनसान रास्ते पर उनको ये डर लग रहा है कहीं मेरा प्याज कोई छीन न ले, जहां उनको गहनों को लेकर डर लगता था आज उनको प्याज को लेकर डर लग रहा है। इस सरकार जब जब भाजपा की आती है हम नहीं समझ पाते, अटल जी की सरकार में भी प्याज की कीमत बढ़ गई और मोदी जी की सरकार में भी प्याज की कीमत बढ़ गई। और हम तो याद दिलाना चाहते हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो आज हैं वर्तमान में और सांसद थे 2-2 बार के, उन्होंने उसमें कहा था कि का हो अटल चाचा पियाजिया पे मार हो गई, का अब सलाद खरीबा पियाजिया अनार हो गई। तो अब आज उनका मुंह बंद है, बड़ा दुख की बात है कि आज उनका मुंह बंद है, उनके अंदर आज मोदी सरकार की इस विफलता पे गाना नहीं बना, तो ये समझ में आ रहा है कि जनता के मुद्दों से बहुत दूर ये सरकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे गिफ्ट देने की आपकी हैसियत नहीं तो क्या करें, शादी में कैसे जाएं, खाना कैसे खाएं, तो कृपया बनारस के इस होटल में आइए, ये पोस्टर देखिए, चुपचाप मूली से काम चलाइए और निकल लीजिए।